तो आज के हमारी इस पावर बीआई की क्लास में हम फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। हमें लास्ट फंक्शंस में हमने टेक्स्ट फंक्शन पे थे, चलिए टेक्स्ट फंक्शन को आज पूरा करते हैं। तो डैक्स फॉर्मूला, एक्सेल की जो डैक्स फॉर्मूला है उसपे हम डिस्कस कर रहे हैं, और लास्ट क्लास में हमने कंबाइंड वैल्यू, कॉन्कैटेनेट और ये आपका एग्जैक्ट पहुंचे थे। फाइंड भी हमने पढ़ाया था जी, और मैंने बताया था कि फाइंड का, फाइंड और सर्च का इस्तेमाल आप वहां कर सकते हैं, वहां पे कर सकते हैं जहां आप जो ढूंढना चाहते हैं वो पूरे के पूरे कॉलम में है। अगर किसी कॉलम में मिसिंग है तो फाइंड और सर्च आपका रिजल्ट एरर देगा, और यही प्रॉब्लम हुई थी लास्ट क्लास में, हमने लगाया था फिर भी ढूंढने एरर आ रहा था। उसके बाद फिक्स का फॉर्मूला कोई खास नहीं है, ठीक है ना। फिक्स का फॉर्मूला बेसिकली एक्सेल का फॉर्मूला है, पावर बीआई में इसका रोल ही नहीं है। एक्सेल में इसका यूज हम लोग करते थे ताकि हम लोग इसका ये कर सके, फॉर्मेट को फिक्स कर सके, ताकि कोई उस पर फॉर्मेटिंग ना कर सके। बट पावर बीआई में इसका क्या रोल है, अभी तक मैं इसको कहीं यूज नहीं कर पाया, मतलब कि कहीं रियल टाइम यूज नहीं कर पाया। फिर मैं बताता हूं इसे अप्लाई कैसे करते हैं। इसको करेंगे फिक्स्ड, फिक्स में कोई नंबर, ठीक है ना, कोई नंबर आपको लेना है, तो नंबर है मान लीजिए मैंने यहां पे ले लिया अमाउंट का, सॉरी अमाउंट नहीं है, क्वांटिटी का, क्वांटिटी। अब इसमें आता है डेसिमल, तो हमें दो डाल दिए कि दो डेसिमल प्लेसेस हो, ठीक है ना। और यहां आता है नो कमेंट्स, कमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती सर इसमें, एंटर मारिए तो ये आपका दो डेसिमल प्लेसेस में आ गया। अब एक नो कमेंट्स में क्या है, यहां पे हम कर देते हैं एम आर पी, कितना होगा, नहीं नो कमेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो कमेंट्स का कोई फर्क यूज नहीं है सर। तो यहां हमने फिक्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, लेकिन फिक्स फॉर्मूला में कोई खास नहीं, तो नॉर्मल में ऐसे भी दिखा सकते हैं ना सर। फॉर्मेट, फॉर्मेट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट फॉर्मूला कैसे हमें बताया, अगर मुझे भी एमआरपी दिखाया, क्वांटिटी में आपको दिखाना है, क्वांटिटी में ये पीस मैंने T4 पीस दिखाना है, लास्ट में पीस लगाना है, या कुछ और फॉर्मेट देना है, जो एक्सेल में टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है ना, यही यहाँ फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कि आप किस फॉर्मेटिंग चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे डेट है मेरा, हमने डेट लिया और डेट में से मुझे अपना फॉर्मेट चाहिए, जैसे DDD/DD यहां पे MM, सॉरी कॉमा MM और /YY मैं डाल दिया सर। अब इसी फॉर्मेट में मेरा डेट आएगा, ओके। तो जो आपका एक्सेल का जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो जितने भी जो कोड होते हैं, एक कोड यहां डाल सकते हैं। अब यहां एक और काम करता हूं, क्या मैं अमाउंट और फिगर को एक साथ डाल सकता हूं, क्वांटिटी, और मैंने यहां पे एमआरपी, अच्छा इसको डबल इन वाटर कमा में डालना होगा क्या, समझे गया सर। हमने एमआरपी को डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला है, अब ये चीज को समझिए, इस चीज को समझिए क्यों डाला है, इसके लिए मुझे वापस एक्सेल पे आना पड़ेगा, एक्सेल। तो एक्सेल पे क्या है कि मैंने यहां पे 1500 डाला, तो मुझे एमआरपी 1500 चाहिए, तो एमआरपी 1500 डालने के लिए मैं यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में एमआरपी और फिर मैं यहां पे हैश डालूंगा, राइट। तो एमआरपी 1500 दिख गया, बट इसी चीज को अगर मान लीजिए मैं यहां पे 1500 किया और मुझे इसी चीज को टेक्स्ट फॉर्मूले में डालना है, अब मैं इन्वर्टेड कॉमा में एमआरपी और एक्स डाल दूंगा तो क्या होगा, आएगा रिजल्ट, नहीं आएगा रिजल्ट। क्यों रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि जो ये जो एमआरपी है ये कस्टम फॉर्मेटिंग में इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, तो अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में डालूंगा तो फिर यहां से क्लोज हुआ, फिर हैश गड़बड़ देगा ना, फिर तो मुझे ये चीज दिखाना है कि ये जो फीचर है जहां मैं फॉर्मूले को इन्वर्टेड कॉमा में ही मिला है तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना होता है, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा डालते ही आपको देखिए रिजल्ट आ गया,
तो सेम चीज हमने यहां पावर बीआई में भी की है कि हमने इमारती को डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला है, ठीक है। और इसी इस डबल इन्वर्टेड कॉमा की इमारती को फिर एक और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने डाला है, समझे? तो इसका ये सिर्फ यही पे नहीं, आपको किसी भी फॉर्मूले में आपको ऐसा लगता है कि मुझे ए पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी हमें ये चीज को इन्वर्टेड कॉमा में देना है, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में उस चीज को डालते हैं, राइट सर? तो इस तरह से आप कस्टम फॉर्मेटिंग के सारे फीचर्स को अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है आवर में, मिनट में, तो सब कुछ कर सकते हैं आप फॉर्मेट फॉर्मूला से। कस्टम फॉर्मेटिंग के हर एक कोड जो है हमारा फॉर्मेट फॉर्मूला पे वर्क करता है। उसके बाद लेफ्ट राइट फॉर्मूला तो मैं बताया था आपको लास्ट क्लास में, लेन लोअर जो है आपका लोअर में कन्वर्ट कर देता है, अपर आपका अपर में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट फॉर्मूला। मिड 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 का फॉर्मूला बताया था, मिड से निकालना होता है, हाँ बीच में क्या है, हाँ रिप्लेस का फॉर्मूला होता है, सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला, किसी नहीं रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे। ये दो फॉर्मूले किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करने का काम करते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि जहां जहां पूजा सिंह है ना, पूजा सिंह को मुझे पूजा को पूजा सिंह से रिप्लेस कर देना है, राइट? तो हमने यहां पे कॉलम पे आए, कॉलम पे आने के बाद मैंने यहां पे एन अंडरस्कोर न्यू नेम हमने यहां पे किया। न्यू नेम में हमने यहां पे लगाया सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट में हमने बोला नेम, नेम में क्या करना है, तो यहां पूजा को किससे करना है, तो पूजा सिंह से करना है। तो जो पूजा, बाकी जो नेम थे वो जस्ट जस्ट वापस आपको शो हो गए और सिर्फ पूजा जो है पूजा सिंह में कन्वर्ट हो गया। तो आप किसी कॉलम के अंदर किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अनदर टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला, राइट? सब्स्टिट्यूट में ये रिप्लेस होता है, क्योंकि ये तो जो नाम था इसलिए आपने कर दिया। एक कभी कभी हमारे पास फिक्स नहीं होता है, हमें क्या करना होता है कि पर्टिकुलर पोजीशन से करना होता है, तो उस केस में हम रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं। और सेम उसी तरह जैसे हम एक्सेल पे करते हैं रिप्लेस को, राइट? अब बात करते हैं रैप का फॉर्मूला। किसी भी टेक्स्ट को रिपीट करने के लिए हम रैप का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो एरिया नेम है, अब मेरा एरिया जहां मैं सॉफ्टवेयर है वहां पर एरिया नेम दो बार रिपीट है, नॉर्थ नॉर्थ एक साथ, समझेगी? तो यहां पे हम कॉन्कैटेनेट लगाएंगे, मतलब कि एक ही सेल को दो बार एक कर देंगे, एक ही सेल को दो बार कॉन्केट कर देंगे। जैसे कि यहां पे हम एन हमने जोन लेते, एन एरिया, एन एरिया में हमने क्या किया, हमने यहां पे एरिया को लेते, एरिया कॉन्केट अगेन एरिया, ऐसा भी कर सकते हैं, आ गया। लेकिन अगर तीन चार पांच बार हो तो दिक्कत होगा ना सर, उस केस में हम यहां रैप का फॉर्मूला लेते हैं। रैप फॉर्मूला में हमने एरिया सेलेक्ट किया और यहां आप नंबर दे दीजिए कितना बार रिपीट करना है, दो बार रिपीट करना है तो आ जाएगा, अगर आपको तीन बार करना है तो तीन बार भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे यूज किस उसमें होता है सर ये रैप फॉर्मूला? इसका यूज एक्सेल पर इसका अच्छा खासा यूज है, बट यहां पावर बीआई में मुझे लग रहा है कि कुछ दिक्कत होगा। जैसे हमने यहां पे क्वांटिटी ले लिया, क्वांटिटी एंड कॉमा हमने नहीं, ये क्वांटिटी नहीं, इसमें हमें करता हूं, हाँ इसको करता हूं और यहां पे क्वांटिटी करता हूं, ये काफी बड़ा हो गया, तो इसको डिवाइड बाई फाइव कर देता, ठीक है। अब इसके ऊपर फॉर्मेट हमारा टेक्स्ट है, सही है, डेटा ग्रेवी सिमिलाइज नहीं है टेक्स्ट। अब इसमें भी नॉर्मल डेटा फॉर्मेटिंग होती नहीं है, नॉर्मल डेटा फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल होता तो ये थोड़ा सा अलग हम दिखा सकते थे। अब इसके जगह पे कोई और टेक्स्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स कर दिया, तो ये एक्स की तरह इस तरह से दिखेगा, तो आप देख पता कर सकते हैं ना कि पूरे इसमें क्या सिचुएशन है, मतलब एक बड़ा छोटा का इनमें से आप डेटा नहीं कर सकते।
कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ एनालिसिस डेटा के अंदर ही करने पड़ते हैं, समझे? इस तरह की चीजें हम यहां पे कर सकते हैं। राइट फॉर्मूला से, राइट फॉर्मूला राइट से लग करता है, सर्च मैंने बताया, सब चुरी बता दिया, ट्रीम जैसे एक तरह ट्रीम करता होता है, यहां भी करता है, वैल्यू जो है वैल्यू में कन्वर्ट करता है, राइट? वैल्यू बता दो सर, क्योंकि वैल्यू का मुझे एक्सेल में भी ढंग से नहीं मालूम। जैसे कि नहीं, वैल्यू में क्या होता है, यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि आपकी क्वांटिटी अभी किस में है, नंबर में है ना सर, नंबर में है। अगर मान लीजिए कि इसकी डेटा टाइप को आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, आप टेक्स्ट में कन्वर्ट क्यों करेंगे? जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि आगे भी आपको, अभी तक आपको मैंने रिलेशनशिप नहीं पढ़ाया, तो मान लीजिए कि आपको इस क्वांटिटी का कहीं पे और दूसरे सेल दूसरे सीट पे इसी क्वांटिटी का डेटा और दोनों का लुकअप करना है। अब उसमें क्या है कि क्वांटिटी जो है, जो हमारी क्वांटिटी है वहां पे उसकी आईडी है, तो वहां पे टेक्स्ट में है। अब टेक्स्ट में होने के कारण दिक्कत क्या है कि फिर दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं होगा, जैसे वी लुकअप टाइप का उठा नहीं पाएंगे ना सर, क्योंकि दोनों अनमैच हो जाएगा ना सर। तो इसलिए मुझे, और देखिए मुझे इससे सम वगैरह भी तो करना है, तो अगर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया तो फिर मेरा लुकअप नहीं होगा, सम तो हो जाएगा बट लुकअप नहीं होगा, अगर मैंने उसको टेक्स्ट कर दिया तो मेरा लुकअप तो होगा बट सम नहीं होगा। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक नया कॉलम ऐड करते हैं और इसमें हम देते हैं न्यू क्वांटिटी n_qty और इसमें हम वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। वैल्यू में क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वैल्यू में सिलेक्ट करते हैं क्वांटिटी। अब वो क्या करेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। देखा नंबर में कन्वर्ट हो गया, सम आ रहा है, डेसिमल नंबर। हाँ इसको अब फिर हम अपने हिसाब से कहीं भी समराइजेशन में यूज कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर, एनी कोई डाउट? ना ना। तो हमारा किसका फॉर्मूला था, टेक्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला, और टेक्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला आई होप कि आपको समझ में सारी चीजें आ गई होंगी, राइट? फिर भी एक बार दोबारा एक बार मैं प्रोग्रेसिव कर देता हूं कि टेक्स्ट कैटेगरी फॉर्मूला क्या है। एक आपका कंबाइंड वैल्यू है, इस पूरी की पूरी सेल को कंबाइन करता है, लेकिन इसका यूज हम लोग कॉलम पे नहीं करते हैं, इसका यूज हम लोग मेजर्स में करते हैं। कॉन्ग्रेनेट फॉर्मूला बताइए आपको कि दो सेल वैल्यू को कॉन्केट करता है, इसलिए हम n% भी इस्तेमाल करते हैं, आप कॉन्ग्रेनेट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है? कॉन्ग्रेनेट x क्या करता है, ये आपको एक डेटा में से किसी एक कॉलम को आप कंबाइन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि हमने लास्ट क्लास में कि हमने पूजा की सारी वैल्यू को कॉमा कॉमा करके हमने उसको कंबाइन किया था, तो ये अकेले वर्क नहीं किया था, इसलिए हमने फिल्टर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था, राइट? एग्जैक्ट फॉर्मूला दो टेक्स्ट को आपस में मैच करता है, बट एग्जैक्ट मतलब कि बड़े छोटे का फर्क रखता है। फाइल फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं ये सेंसिटिव की बात करते हैं। फाइल फॉर्मूला और सर्च फॉर्मूला क्या करता है, दो सेल वैल्यू को सर्च करता है, सेल वैल्यू में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर वर्ड सेंटेंस को सर्च करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो सर्च कर रहे हैं उस कॉलम के हर एक सेल को होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो एरर देगा। उसके बाद यहां आपको हमने आपको फिक्स बताया दिया, फॉर्मेट फॉर्मूला टेक्स्ट फॉर्मूला कितना काम करता है, लेफ्ट फॉर्मूला लेफ्ट से जितना मर्जी उतना अलग कर सकते हैं, लेन फॉर्मूला नंबर ऑफ टेक्स्ट काउंट करके देता है कितने करेक्टर है, लोअर फॉर्मूला अपर फॉर्मूला, लोअर फॉर्मूला उसको लोअर केस में, अपर फॉर्मूला अपर केस में कन्वर्ट करता है, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं मिड। अब बोलेंगे से इसका फिर क्या फायदा है, तो अभी अभी हमने सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाया था ना सर, इसमें पूजा को, पूजा जो है इसकी कैपिटल लेटर को स्मॉल कर, ठीक है सर? पूजा पूजा सिंह नहीं हुआ, पूजा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूट भी केस सेंसिटिव होता है। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई कि भाई कैसे करें, तो एक नया कॉलम ऐड करके उसको कन्वर्ट करेंगे फिर डालेंगे, उससे अच्छा है कि जो यू नेम है ना सर यहां पे दिया हुआ, इसी को आप यू केस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? अपर में, अपर के अपर में इसको कन्वर्ट कर दो,
और फिर इसमें हमने जो पूजा लिखा है उस पूजा को अपर केस में लिखते हैं। समझे? तो अब जो होगा कि आपका केस कोई भी क्यों ना हो यहां पे, वो पहले उसको अपर में कन्वर्ट करेगा, देन सब्स्टिट्यूट में यूज करेगा। राइट? तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चलिए, तो टेक्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूले हमने आज आपके साथ